और वहीं किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने साफ किया है कि वो हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। किसान और युवाओं के लिए गुजरात राजस्थान में ही नहीं देश की हर भाग में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 11 नवंबर को होने वाले किसान महापंचायत में भाग लेने आए हार्दिक ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। गुजरात आरक्षण आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहे और क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल हमारे साथ में है, वो जयपुर यात्रा पर है और प्रदेश के इलेक्शन को लेकर उनका क्या नजरिया उनसे जानेंगे। हार्दिक, फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, राजस्थान में इलेक्शन है, आप किस भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता आपको अलग नजरिए से देखती है। देखो, पहले तो हमें कोई चुनावी भूमिका से मत जोड़िए, हमारी जो बात है वो सिर्फ किसान और युद्ध के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। जो किसानों के साथ जो परिस्थितियां हो रही है, जो युद्ध के साथ जो मुश्किलियां हैं, उन चीजों को लेकर हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। वो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या गुजरात हो, या महाराष्ट्र हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राजस्थान के अंदर बसे हुए लोगों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर हम कुछ आवाज उठाते हैं और उनको जागरूक करके, सत्ता हो या विपक्ष हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनके सामने सवाल खड़े करने के लिए हम उनको मजबूर करते हैं। क्योंकि कोई भी युवा हो, वो युवा इसीलिए शिक्षा लेता है ताकि वो सवाल पैदा कर सके, किसी की गुलामी के लिए नहीं। तो आज के युद्ध के लिए जो बेरोजगारी का प्रश्न है, उसकी शिक्षा का प्रश्न है, उसकी आजादी का प्रश्न है, किसानों के लिए फसलों के दाम का प्रश्न है, पानी के लिए प्रश्न है, बिजली के लिए जो प्रश्न है, उन सारी चीजों को लेकर हम लोगों को जागरूक करते हैं। बीजेपी को लेकर आपका नजरिया है, हार्दिक, उसके विरोध में आप उतरेंगे और कांग्रेस के पक्ष में, क्या आपका क्या नजरिया, क्या मान रहे हैं आप? मैं तो सत्ता के खिलाफ ही रहूंगा ना, मैं क्यों विपक्ष के खिलाफ रहूंगा? सत्ता में जो लोग होते हैं उससे ही सवाल किए जाते हैं। अपने माँ बाप से हम कुछ मांग सकते हैं, पास वाले के वहां कुछ मांगने नहीं जा सकते। हाँ, तो सत्ता के खिलाफ होती है आवाजें और जनता का काम होता है सत्ता के खिलाफ बात करना। हार्दिक, परसों किसानों की बड़ी महापंचायत है, उसमें क्या भूमिका रहेगी, किसानों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे आगे के इलेक्शन के लिए? मैं आंदोलनकारी और मैं कभी मेरी रणनीति नहीं बताता, मेरे साथी को भी नहीं और पत्रकारों को भी नहीं। हार्दिक, गुर्जर दर्शन यात्रा जो है आपकी, देव दर्शन यात्रा, उसको लेकर क्या रणनीति है, राजस्थान में कहां कहां जाएंगे और किस तरह से लोगों से जुड़ेंगे आप? बातचीत करते रहेंगे और जैसे घूमेंगे आप भी हमारे साथ रहेंगे तो आप भी कवर करिएगा, ठीक है? ये है हार्दिक पटेल, आरक्षण आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहे और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्रांति सेना के। अपने सहयोगी इकबाल खान के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर।